एक व्यक्ति हमारे अरेस्ट में है, दो तीन सूटकेस हमने या दो सूटकेस हमने बरामद किया है जिसमें प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, उसका पूरा हम उसका लेखा जोखा कर रहा है। जो डॉक्यूमेंट्स देखने से अभी लग रहा है कि 50 करोड़ के करीब का संपत्ति का डॉक्यूमेंट्स उन सूटकेसेस में था और मुलजमान के कब्जे से गिरफ्तारी के टाइम में 1 किलो का एक गोल्ड का ब्रिक सोने का ईंट भी बरामद किया है। 2-3 और जनों को गिरफ्तार करना शेष है और कुछ बरामद भी होने का भी संभावना है। प्रॉपर्टी में डॉक्यूमेंट था कि पैसे भी था? केवल डॉक्यूमेंट्स था, वो डॉक्यूमेंट्स का हम डिटेल बना के सूची तैयार किया जा रहा है। सर, इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल थे और ये प्लानिंग 2 महीने से आप बता रहे हैं? और प्लानिंग 2 महीने से नहीं, जो ACB की कार्रवाई हुआ वो 2 महीने पहले हुआ था। प्लानिंग हो गया होगा 7-8 दिन 10 दिन इतना ही अवधि है। मतलब वो जब ACB जिसको पदमचंद जैन पर मिलने वाले थे अवैध संपत्ति या जो भी, उसको छिपाने के लिए जो सूटकेसों में भर के माल पहुंचाया गया था उनको इन्होंने डकैती डाल के उठाया। हाँ, ACB के कार्रवाई और ED के कार्रवाई जब हुआ था उसके कोई बेनामी संपत्ति के लिए और कोई रेड हो ये सोच के उसको सुरक्षित जगह पे इन लोगों ने शिफ्ट किया, मिस्टर जैन द्वारा उसी जगह पे जहाँ शिफ्ट किया वहाँ ये डकैती हुआ है। सर, ये प्रॉपर्टी या तो ये जैन के कोई जानकार में कोई रिलेशन में या कोई कामकाज में इससे इन्वॉल्व है? जैन के बेटे का ससुराल है चौमू में तो उनका जानकार है। सर, ये 5 जो पकड़े गए हैं ये बैकग्राउंड क्या है इनका? क्या ये पहले से कुछ जानते हो कि इनके पास यहाँ आने वाली है? आपने बताया कि एक जानकार ने इनको बताई सारी चीजें। मैंने बताया ना, चौमू का लोकल व्यक्ति ने इन लोगों को सूचना दिया कि इस जगह पे डकैती डालना है, तो उसमें एक व्यक्ति के खिलाफ कोई पूर्व में डकैती का केस दर्ज है, बाकियों के खिलाफ और केसेस दर्ज है। दस्तावेज प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है उसका अभी लिस्टिंग आउट कर रहा है, वो लिस्ट आउट पूरा होने के बाद वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट को हम पेश करेंगे, अभी उसके बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ACB पे भी चल रही है तो उसको पहले सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट जो बरामद होता है उसका सूचना हम कोर्ट को देंगे फर्ज बरामद की, उसके बाद ही वो सार्वजनिक किया जाएगा, अभी उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताएंगे। सर, ये बदमाश वही आके सीधा के वारदात में चले गए या कहीं ठहरे थे कुछ? वारदात के बारे में हमारे पूछताछ में आ गए।